हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। ये है बजाज पल्सर N160। आज के इस वीडियो में इस बाइक पे फाइनेंस में ऑफर क्या मिलता है, फाइनेंस कराने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है, क्या इंटरेस्ट रेट है, इन सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा सर को। सर एक बार आ जाइए प्लीज सामने। सर हमारे व्यूअर का अपना नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो, मेरा नाम चेतन है। ओके, सर का नाम चेतन हुआ। सर आप बजाज फाइनेंस से हैं क्या? यस। ओके सर, बजाज फाइनेंस से हैं आज, और आज के वीडियो में फाइनेंस की सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए कि बजाज पल्सर N160 का ऑनर प्राइस पुणे में यहाँ पे क्या पड़ रहा है? ये देखिए, बजाज का ये सबसे ज्यादा चलने वाला बाइक है। सही बात है, सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइक है, सबसे ज्यादा बजाज में बिकने वाला ये प्राइस है। बाइक में आपको फीचर्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत पता बहुत है। ड्यूअल चैनल एबीएस दिया आपको, सही मोनो सस्पेंशन दिया है, स्लीपर क्लच दिया है, सही डिजिटल मीटर ट्रिप वगैरह सब, ये सारे एडिशनल फीचर्स आपको दिए। इस गाड़ी का प्राइस आपका जाता है 1,63,454। ओके, तो सर के अकॉर्डिंग इस बाइक का ऑनर प्राइस पुणे में, N160 का ऑनर प्राइस पुणे में 1,63,400 के अराउंड आता है। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर कोई इसको फाइनेंस करना चाहता है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? बेसिकली एकदम आसान सा है, आपको बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि पैन कार्ड रहेगा आपका, आधार कार्ड, आपका लाइट बिल और बैंक स्टेटमेंट। ओके, तो सर के अकॉर्डिंग इसमें आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट देना है, ज्यादा कुछ नहीं देना है आपको, ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड सबके पास होता है, लाइट बिल भी सबके पास होता है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका जो स्टेटमेंट है उसका फोटोकॉपी आप सर को दे सकते हैं। सर ये 4 डॉक्यूमेंट में आपको फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस तुरंत हो जाता है, 3 मिनट्स में ओनली अप्रूवल मिलता है। ओके ओके, बहुत अच्छा सर्विस है सर। उसके बाद मुझे बताइए सर, अगर इसका बाइक कोई फाइनेंस कराता है तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट अभी मिनिमम, सबसे मिनिमम चल रहा है सर ओनली 16,999 रुपीज डाउन पेमेंट है। ओके, तो सर के अकॉर्डिंग 16,900 में ये बाइक मतलब पड़ जाएगा, मतलब लगभग 70,000 का ये, आप चाहे तो इसको डाउन पेमेंट ले करा के इस बाइक को ले जा सकते हैं। भाई पल्सर N160 को आप 70,000 डाउन पेमेंट करा के ले सकते हैं, इससे अच्छा ऑफर मुझे नहीं लगता है सर। आई थिंक ये फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। ओके, ये फेस्टिवल ऑफर चल रहा है इसलिए आपको इतना कम मिल रहा है। विदाउट ऑफर अगर आप लेने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कितना सस्ता ये बाइक पड़ने वाला है। सर मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब जो डाउन पेमेंट करेंगे वो कितना महीने का EMI कर सकते हैं? 1 साल 2 साल? 1 से लेके 3.5 साल तक आप लोन कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल 12 महीने 24 महीने 36 महीने और 42 महीने। ओके, तो जो भाई लोग इसको 1 साल कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं, 2 साल का भी करा सकते हैं, 3 साल का भी कर सकते हैं, और 3 से ज्यादा साल का भी करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, जनरली लोग 2 साल का कराता है। तो सर मुझे 2 साल के हिसाब से बताइए कि अगर 24 महीने का कोई EMI कराता है तो उसको EMI कितना देना पड़ेगा? 17,000 देने के बाद? यस, 17,000 देने के बाद आपका 42 मंथ्स के लिए लोन करते हो तो 5,200 का कम EMI आपको आएगा, और 24 महीने के लिए करना चाहते हो तो 8,000 तक लगभग का EMI। अच्छा, मतलब 2 साल का करना चाहते हैं तो सिर्फ मतलब ये 8,000 में मिल जाएगा, और 42 मंथ का करना चाहते हैं तो आपको 4,000 सर ना 4,200 में ये बाइक ले जा सकते हैं। भाई मुझे लगता है इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 2 साल का करा रहे हैं सिर्फ 8,000 में आपको ये EMI भरना है, और स्टार्टिंग में आपको डाउन पेमेंट सिर्फ 17,000 का करना है। सही बोला सर, 17,000 डाउन पेमेंट करना है, और 2 साल के ले जाते हैं तो 8,000 देना पड़ेगा। yes, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.99% है, ओनली 4% के, तो इंटरेस्ट लोस रेट भी बहुत कम है, 4.99 है। तो बहुत अच्छा ऑफर है, फेस्टिवल ऑफर है भाई लोग, मुझे लगता है आपको आना चाहिए और ये लेना चाहिए, क्योंकि इतना सस्ता में N160 फाइनेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए बजाज फाइनेंस का ही है सर, पक्का ना सर? ओके, बजाज फाइनेंस का है, तो भाई बजाज फाइनेंस आपको पता है भरोसे वाला फाइनेंस है, तो आराम से आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट लाना की जरूरत पड़ रही है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और लाइट बिल सब ये मिल जाएगा। सर एक और छोटा डाउट है, लोग पूछते हैं कि मतलब मैं बाहर रहता हूँ दूसरी सिटी में, पुणे आके रह रहा हूँ, तो यहाँ मुझे मतलब रेंट का मतलब रेंट पे रहता हूँ, तो उनके लिए भी हो सकता है क्या फाइनेंस? श्योर, हर एक किसी के लिए है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ज्यादा नहीं लगेंगे, जैसे पहले बता चुका हूँ पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल और बैंक स्टेटमेंट, उतने ही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। अच्छा, तो अगर आप बाहर दूसरे सिटी के भी हैं, पुणे में आके भी रहते हैं ना, अगर आप रेंट का घर लेकर रहते हैं तो भी इस बाइक को आप फाइनेंस करा सकते हैं। मैंने देखा है जनरली क्या होता है, बाहर से लोग आते हैं उनको जल्दी फाइनेंस में बहुत दिक्कत होता है, पर मुझे लगता है अगर आप सौरभ बजाज आएंगे यहाँ पे और सर से मिलेंगे, सर आपका नाम चेतन ना? चेतन सर, चेतन सर से मिलेंगे, जिनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, शोरूम का डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जो भी भाई लोग इस बाइक को फाइनेंस करवाना चाहते हैं
इस ऑफर को लेना चाहते हैं दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर सर को कॉल कर सकते हैं या शोरूम विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया इतना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई लोग, आपको फाइनेंस के बारे में पता चल गया कि इस बाइक को आपको कितना मिल सकता है, 70,000 में बाइक ले जा सकते हो। इससे अच्छा ऑफर मुझे नहीं लगता कि आपको मिलने वाला है, तो आप जल्दी आएँ और ये इस बाइक को बुक कराएं, फाइनेंस पे कराएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।